हेलो दोस्तों, देखिए जिन लोगों को चश्मा लगे हुए हैं, चश्मा दूर का हो या पास का हो, तो अब चश्मा लग गए, अब इनको हटाने की कोशिश करना आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। क्योंकि ये जो चश्मा लगे हैं हमारी गलती से ही लगते हैं। देखिए आँखें एक कुछ लाइट की तरह हैं, जिस तरह से एक टॉर्च होती है, टॉर्च बैटरी, उसमें हम सेल डालते हैं और वो पूरी रोशनी देती है। जब उसके सेल वीक हो जाते हैं तो उसकी टॉर्च की लाइट है वो भी वीक होती चली जाती है दोस्तों। हमारे अंदर भी विद्युत धारा बहती है, जो स्पाइन से आती है आंखों तक, उस विद्युत धारा की वजह से ही हम देखते हैं। और जब ये विद्युत धारा कम हो जाती है तब ये कम दिखना शुरू हो जाता है, या इसमें कुछ कमी जो आती है वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो सब हमने क्या करा है, बचपन से ही हम जूते चप्पल पहन के रहते हैं, जबकि अर्थिंग हमें मिट्टी से ही मिलती है दोस्तों। आपने देखा होगा इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं सब इस मिट्टी से ही पोषण ले लेते हैं, और हम इन पेड़ पौधों में से पोषण लेते हैं। तो कम से कम एक दो घंटा मिट्टी में नंगे पैर जरूर बैठें। जब तक हमको अर्थिंग नहीं मिलेगी, पैरों के थ्रू ही अर्थ मिलता है दोस्तों। आपने देखा होगा संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं या आपके पशु पक्षी हैं, सब नंगे पैर रहते हैं और उनके जीवन भर दांत और आँख हमेशा चलते हैं। उन्हें आपने कभी बहुत कम ही देखा होगा, किसी किसी को ही जिनको आँखों में दिक्कत होती होगी। तो आपको एक दो घंटे मिट्टी में रहना है। दूसरा, चश्मा उतारना चाहते हैं तो अपने मुंह की राल, आप जब सुबह को उठोगे खाली पेट, जब आप सुबह को उठोगे बिना कुछ खाए, बिना कुछ कल्ला कुल्ला करे, उठते ही अपने मुंह की राल लेनी और आँखों में काजल की तरह लगानी दोस्तों। दोनों आँखों में सुबह सुबह लगाइए एक दो बार। रोज़ाना एक गिलास जूस गाजर का लेना है, और उसमें एक आंवला और गाजर मिक्स करके जूस पीजिए। चाहो तो थोड़ा धनिया भी डलवा सकते हैं, पुदीना भी, तो गाजर का मिक्स जूस पीजिए डेली कम से कम 200-300 ml एक बार में, और दोनों टाइम मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो 3-4 महीने आपको ये करना है, जूस गाजर और आंवला का जूस पीना है। आँखों में काजल की तरह अपना बासी मुँह की राल लगानी है, और एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट हैं। देखिए ये आँख का ही पॉइंट है, यहाँ आप 10 सेकंड दबाएंगे छोड़ देंगे, 10 सेकंड दबाएंगे छोड़ देंगे, 10 सेकंड दबाना छोड़ना है। आपकी आँखों की रोशनी ना बढ़ जाए तो कहना, आपका चश्मा ना उतर जाए तो कहना, लेकिन टाइम लग सकता है 3-4 महीने 6 महीने। आप डेली कीजिए, 10 सेकंड दबाना छोड़ना है, 10 सेकंड दबाना छोड़ना है, अंगूठे की बगल वाली उंगली के जस्ट बीचों बीच। चाहो तो इस तरह से भी आप ये गद्दियाँ दबा सकते हो, ये गद्दी इस तरह से दबाई और ये अंगूठे से यहाँ दबाया, ऐसे 10 सेकंड इसमें दबानी है, 10 सेकंड दबाना है छोड़ना है, 10 सेकंड दबाना है छोड़ना है, 10 सेकंड दबाना है छोड़ना है। दिन में 3 बार या 2 बार करना है, जितनी बार करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। बस 3-3 मिनट करना है, 10 सेकंड दबाओ छोड़ दीजिए, 10 सेकंड दबाओ छोड़ दीजिए, 3 मिनट इसमें कीजिए, 3 मिनट इसमें कीजिए, सुबह शाम आप इसको कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। और आँखों के चारों तरफ ये जो किनारे हैं ना, ये किनारे, इन किनारों में 10 सेकंड दबाव दीजिए, ऐसे 10 सेकंड दबा देना है, 10 सेकंड दबाना छोड़ना है, दबाना छोड़ना है, दबाना छोड़ना है, इस तरह से आँखों के किनारों पर। आराम से 10 सेकंड दबाव दीजिए और छोड़िए, 3 मिनट यहाँ पर कीजिए, ये कोई इधर ऐसे साइड में 10 सेकंड दबाना छोड़ देना है, इसमें 10 सेकंड दबाना छोड़ना, इस साइड में 10 सेकंड दबाना छोड़ना, करें ध्यान से करें, आँख में उंगली ना लग जाए, और ये फिर इस तरह से 10 सेकंड दबाना छोड़ना है, 10 सेकंड दबाना छोड़ना है। स्पाइन की मसाज करवानी है, इसकी गर्दन की प्रेस से है, क्योंकि यहीं से ही स्पाइन से ही हमारी आँखों के तंतु जा रहे हैं,
यानी कि विद्युत धारा आती है स्पाइन से ही आती है आँखों में, तो हमें स्पाइन की भी यहाँ पर मसाज करनी है और 2 घंटा जमीन में मिट्टी पर नंगे पर रहना है दोस्तों। ये आप कीजिए, आपकी आँखों के चश्मा ना उतर जाए तो कहना, आपका दोस्त डॉक्टर पवन कुमार नेचुरोपैथी की तरफ लगेगा।